हेलो गाइस, तो गाइस मुना और फारूक ने ट्रोल किया है एल्विस यादव और लोकेश कटारिया को। जी हां दोस्तों, मुना और फारूक ने सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट वगैरह किए हैं जहां पर उन्होंने एल्विस यादव और कटारिया के बारे में कुछ कहा है और कुछ ट्वीट किया है और उनको ट्रोल कर दिया है। तो क्या कहा है, चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूं। दोस्तों मुना और फारूक ने ट्विटर पर ट्वीट किया और ये लिखा कि कटारिया के दोस्तों के नसीब में चक्की पीसना ही लिखा है क्या। जी हां दोस्तों, यहां पर मुना और फारूक ने ये ट्वीट किया है जहां पर वो बिना नाम लेते हुए एल्विस यादव को ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि कल ही खबर आई थी कि एल्विस यादव को ईडी ने समन भेजा है, ईडी ने पूछताछ के लिए उनको बुलाया है। तो यहाँ पर मुना और फारूकी के ट्वीट को देख करके काफी लोगों का ऐसा कहना है कि वो यहाँ पर बिना नाम लेते हुए एल्विस यादव को ट्रोल कर रहे हैं और लोकेश कटारिया को ट्रोल कर रहे हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर मुना और फारूकी ने और भी ट्वीट किए हैं जहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि बैट लगा लो, ये सीजन कटारिया ही जीतेगा, बस बैट कौन से ऐप में लगानी है ये पता नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ट्विटर पर मुना और फारूकी एल्विस यादव और लोकेश कटारिया को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एल्विस यादव के जो भी फैन है वो भी यहाँ पर मुना और फारूकी को जम करके ट्रोल कर रहे हैं और उनके यहाँ पर ट्वीट के नीचे ही बहुत सारे ऐसी कमेंट कर रहे हैं जिनको यहाँ पर आप लोग देख सकते हो और पढ़ भी सकते हो। बाकी इस पूरे मैटर पर आप लोग को कौन सही लगता है, आप लोग किसको पसंद करते हो, एल्विस यादव को या फिर मुना और फारूकी को, आप लोग आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।